गार्डन एक्सप्लोर चैनल में आपका स्वागत है। छोटा सा जो नींबू का प्लांट है उसको कुछ मिक्स फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, लगभग महीना में एक बार। उसी विषय में आज चर्चा करेंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये जो है संतरा का प्लांट। ये संतरा का प्लांट जो है ये थाई वैरायटी का है, और ये जो दिख रहा है ये मौसम्बी का है, जो माल्टा मौसम्बी है उसका प्लांट है, ये वियतनाम माल्टा है। तो ये प्लांट को अभी जो है अच्छा से इसको ग्रो होने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइज़र का ज़रूरत पड़ता है, तो उसी विषय में जो है आज बात करेंगे। कुछ मिक्स फर्टिलाइज़र जो है प्लांट में आपको देना होगा, जिससे ये प्लांट को जो है ग्रो होने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिक्स फर्टिलाइज़र में जो है मैक्सिमम जो फर्टिलाइज़र रहेगा वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहेगा, एक जो है रासायनिक फर्टिलाइज़र रहेगा। तो यहाँ फर्टिलाइज़र को हम मिला लिए हैं। तो क्या क्या फर्टिलाइज़र अभी आपको देना होगा, ये है वर्मी कंपोस्ट। ये एक प्लांट के हिसाब से आपको दो मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट देना होगा। साथ में आपको देना होगा नीम का खली। नीम का खली आपको आधा मुट्ठी के करीब आपको इतना ही मात्रा में आपको एक प्लांट में देना होगा। तीसरा जो है आपको गोबर का खाद जो है वो देना होगा, वो भी आपको एक से डेढ़ मुट्ठी आपको देना होगा। और जो है रासायनिक फर्टिलाइज़र जो है वो है एनपीके 19-19-19 देना होगा। ये एक तो बैलेंस फर्टिलाइज़र है, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटास तीनों मिल जाएगा। नाइट्रोजन जो है प्लांट को ग्रो होने में मदद करेगा, फॉस्फेट में जो है पेड़ को मजबूत करेगा, और ढेर सारा जो है डाली निकलने में जो है मदद करेगा। प्लांट में जो है अभी आपको ये मिक्स फर्टिलाइज़र अभी देना होगा। इस मिक्स फर्टिलाइज़र को लगभग महीना में आपको एक बार देना होगा। इस मिक्स फर्टिलाइज़र में जो है थोड़ा सा आपको फंगीसाइड भी मिला लेना होगा, कि इसीलिए कि इसमें मैक्सिमम जो फर्टिलाइज़र है वो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जो है फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे पास सैफ फंगीसाइड है, उसी को इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कोई भी फंगीसाइड रहेगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फंगीसाइड को इस फर्टिलाइज़र में अच्छा से मिला लेना होगा। अच्छा से मिलाने के बाद इस प्लांट में देंगे, तो ये जो पुराना मिट्टी जो है इसको निकाल लेंगे, इसको अच्छा से निकाल के फर्टिलाइज़र को देना होगा। ऊपर का मिट्टी को हटा के ये फर्टिलाइज़र को दे देना है। दो मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र को दे देंगे, दो मुट्ठी से थोड़ा ज़्यादा ही देंगे, और थोड़ा सा दे दिए। इस फर्टिलाइज़र को दे के और जो पुराना मिट्टी था उससे ढक देंगे। तो ये मिट्टी को से अच्छा से ढक दिए। इसके बाद इसमें हल्का जो है पानी दे देना होगा। तो सेम जो है ये प्लांट में भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। इसका भी मिट्टी जो है ऊपर का मिट्टी थोड़ा सा निकाल लेंगे, मिक्स फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें से जो है बहुत सारा डाली निकलेगा। इसमें बहुत फल आया हुआ था उसको हम तोड़ दिए हैं, इसीलिए कि अभी इतना छोटा पेड़ में अगर फल आ जाए तो पेड़ का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये भी बहुत छोटा प्लांट है, इसमें भी देखिए कितना सारा नींबू अभी आया हुआ है। तो इसको भी रखना नहीं है, इसको भी तोड़ के फेंक देना होगा।
तो इन ऊपर का जो मिट्टी है इसको हटा लिए। इसको हटाने के बाद सेम जो है ये मिक्स फर्टिलाइजर दे देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा गमला है इसीलिए इसमें तीन मिट्टी लगभग फर्टिलाइजर दे दिए। ये भी जो पुराना मिट्टी इसमें भी डाल देंगे। पुराना मिट्टी को दे के इसको ढक देना होगा। महीना में आपको जितना आपका नींबू का छोटा प्लांट है महीना में आपको ये मिक्स फर्टिलाइजर आपको देना होगा। ये भी देख रहे हैं एक तो छोटा सा जो है संतरा का प्लांट है इसका भी मिट्टी जो है निकाल लिए। मिट्टी निकाल के ये वाला फर्टिलाइजर इसमें भी दे देंगे। बीच बीच में जो है सरसों का जो खली है उसको पानी में भिगाइए। पानी में भिगा के लगभग महीना में दो दिन एकदम पतला करके पानी में जो भिगाइएगा जितना क्वांटिटी में आप लीजिएगा जैसे एक लीटर अगर लेंगे तो उसमें 10 लीटर पानी मिलाइए। एकदम पतला करके जो है आप प्लांट में अप्लाई करिए। प्लांट का जो ग्रोथ जो है बहुत अच्छा से होगा। नया नया जो है ब्रांचेस निकलेगा और जितना ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगा उतना ज़्यादा इसमें फ्लावर आने का चांस हो जाएगा और ज़्यादा फ्लावर आएगा तो ज़्यादा फ्रूट होने का भी चांस होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही साथ में रहिएगा। धन्यवाद।